नमस्कार दोस्तों, आपने शायद सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि टेक्नोलॉजी इस हद तक पहुंच जाएगी। इस वीडियो को देखिए। क्या गेस कर सकते हो ये ड्रोन फुटेज कौन सी जगह की है, कौन से देश में ली गई है? जो भी आप गेस कर रहे हो वो गलत है, क्योंकि ये वीडियो ना तो किसी असली जगह का है और ना ही किसी ड्रोन ने लिया। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनाया गया वीडियो है। और देखिए, ये सारे वीडियो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सभी के सभी फेक। ये टोपी पहना हुआ आदमी है, ये किताब पढ़ता हुआ इंसान, ये लोग असली में एग्जिस्ट नहीं करते, इन्हें सिर्फ कंप्यूटर ने जनरेट किया है। अब फर्क बता पाना लगभग नामुमकिन है कि क्या असली है क्या कंप्यूटर जनरेटेड। और अब वीडियोस बनाने के लिए आपको कैमरा की जरूरत नहीं, सिर्फ कीबोर्ड के जरिए ऐसे वीडियोस बनाए जा सकते हैं कुछ मिनटों में। ये सब पॉसिबल हो गया है आज सोरा एआई की वजह से। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है जिसे बनाया है ओपन एआई कंपनी ने, वही कंपनी जिसने 1.5 साल पहले दुनिया को हिला कर रख दिया था जब उन्होंने चैट जीपीटी लॉन्च किया था। तो चैट जीपीटी में आप टेक्स्ट टू टेक्स्ट कॉन्वर्सेशन करते हो एआई के साथ, आप टेक्स्ट में कुछ लिख कर भेजते हो एआई को और वापस जवाब भी टेक्स्ट में ही आता है। इसके बाद ओपन एआई ने डेली सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था जो टेक्स्ट टू फोटो था, आप टेक्स्ट क्लिक कर भेजोगे कि किस तरीके की फोटो आप जनरेट करना चाहते हो और आपको वापस एक एआई जनरेटेड फोटो मिल जाती थी। और अब ये सोरा एआई टेक्स्ट टू वीडियो है, अब सिंपल इंग्लिश भाषा में लिख कर बताओ कि किस तरीके का वीडियो आप जनरेट करवाना चाहते हो और ये वो आपको करके दे देगा। जैसे कि आप कहते हो कि मुझे एक वीडियो चाहिए एक यंग इंसान का जो एक बादल पर बैठकर एक किताब पढ़ रहा है, लिख कर आप भेजो और रिस्पांस में सोरा एआई आपको एक ऐसा वीडियो बनाकर दे देगा कुछ मिनटों में। जितने वीडियोस मैंने आपको दिखाए सब में कोई ना कोई टेक्स्ट प्रॉम्प्ट लिखा गया है, कुछ में टेक्स्ट प्रॉम्प्ट काफी लंबा है कुछ में छोटा है, लेकिन सोरा एआई यहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट टू वीडियो नहीं बल्कि फोटो टू वीडियो भी जनरेट कर सकता है। ये एक शिबा इनू डॉग की फोटो है, इस फोटो को सोरा एआई में इनपुट करो तो ये वीडियो निकल आता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर वीडियो टू वीडियो करना भी पॉसिबल है। ओरिजिनल वीडियो यहाँ पे से दो, जहाँ पर एक गाड़ी रोड पर चल के जा रही है और आप इसे कहो कि आसपास के एनवायरनमेंट बदल गए, मैं चाहता हूँ कि 1920s का जमाना लगे, लेकिन गाड़ी का रेड कलर यही रखना, तो इस वीडियो से ये वाला वीडियो निकल आता है। आप इस टेक्नोलॉजी के मायने समझ रहे हो क्या है? पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज उलट पुलट हो सकती है, एनिमेटर्स, वीडियो गेम डिजाइनर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, इनकी अब जरूरत ही क्या पड़ी? स्टॉक फोटो प्लेटफॉर्म, स्टॉक वीडियो प्लेटफॉर्म पूरे खत्म हो जाएंगे। फिल्में बनाते वक्त हफ्तों की फिल्मिंग करने की क्या जरूरत जब कुछ मिनटों में एआई आपको आपके लिए फिल्म की फुटेज दे सकता है? तो दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा इसकी बात आगे वीडियो में करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक सोरा एआई के आने से पहले इस टेक्नोलॉजी का क्या लेवल है। अब से ठीक एक साल पहले मार्च 2023 में ये वीडियो बड़ा वायरल किया था इंटरनेट पर, विल स्मिथ स्पेगेटी खा रहा। ये वीडियो किसी और कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके बनाया गया था, लेकिन एक साल पहले ये इस टेक्नोलॉजी की पीक थी। इसके बाद कुछ और टेक्स्ट टू वीडियो एआई टूल्स पब्लिक में आए थे, जैसे कि पीका लैब्स और रनवे। सोरा एआई के आने से पहले रनवे कंपनी फील्ड में इंडस्ट्री लीडर थी, लेकिन उसके द्वारा जनरेट किए गए एआई जनरेटेड वीडियोस की क्वालिटी देखो, जमीन आसमान का फर्क है यहाँ पर। सोरा के रिलीज होने के बाद एक्टर विल स्मिथ खुद इतने इम्प्रेस थे इस टेक्नोलॉजी को देखकर कि उन्होंने मजाक में अपना एक वीडियो बनाया इसमें दिखाते हुए, ये दिखाने के लिए कि देखो पहले टेक्नोलॉजी कहाँ थी और अब ये टेक्नोलॉजी कहाँ पहुँच चुकी है। सोरा अब यहाँ पर समझ सकता है कि हमारी दुनिया कैसे चलती है, मोशन कैसे काम करता है फिजिक्स के लॉज के अनुसार। यही कारण है कि इस वीडियो में जब पपीज हिल रहे हैं तो उसे पता है कि जो बर्फ उनके ऊपर गिर रही है वो कैसे हिलनी चाहिए, ये इमोशंस को भी अब समझ पा रहा है। इस वीडियो को देखिए, ये कार्टून जब इस मोमबत्ती को जलते हुए देखता है तो उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट कैसे आती है, बारीक से बारीक डिटेल्स को यहाँ ये समझ पा रहा है कि हाथी चलते कैसे, उनके पैरों का मोशन एग्जैक्टली कैसे होता है। इसी की वजह से ही हमें ये सारे वीडियोस इतने असली लगते हैं। आप यह सोचोगे कि सोरा ये सब कर कैसे पा रहा है, तो इसकी बेसिक फंक्शनैलिटी दोस्तों एक्चुअली में चैट जीपीटी से काफी सिमिलर है। चैट जीपीटी जहाँ एक तरफ टोकन्स का इस्तेमाल करता है, वहीं सोरा दूसरी तरफ उसके इक्विवेलेंट पैचेस का इस्तेमाल करता है। चैट जीपीटी से जो भी आप पूछते हो वो उस टेक्स्ट को टोकन्स में बांट देता है और अपना वापस जवाब भी टोकन्स के जरिए ही देता है। सोरा एआई भी ऐसे ही फोटोज और वीडियोस को समझने के लिए वो विजुअल डेटा को विजुअल पैचेस में बांट देता है और अपना आउटपुट बनाते हुए भी ये इन्हीं विजुअल पैचेस का इस्तेमाल करता है वीडियो बनाने के लिए।
इस चीज को डिटेल में मैंने अपने चैट जीपीटी कोर्स में समझाया कि टोकन्स एग्जैक्टली क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। अगर आपने कोर्स लिया है तो चैप्टर 2.3 में मैंने जो एक्सप्लेनेशन दी थी उसमें आप विजुअल बैचेस को टोकन्स का इक्विवेलेंट समझ सकते हैं। और अगर आपने कोर्स अभी तक नहीं लिया है तो जरूर जाकर चेकआउट करिए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी दुनिया बदल रही है, इंडस्ट्रीज उलट पलट कर रही है। अगर आप इसे नहीं सीखेंगे, डेली लाइफ में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। कोर्स के पहले दो चैप्टर्स काफी थियोरेटिकल है जिसमें मैं इसके पीछे के कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, चैट जीपीटी के पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है, टोकन्स कैसे काम करते हैं, टेम्परेचर क्या होता है, RHF मेथड क्या है। लेकिन सबसे यूजफुल चीजें चैप्टर 3 से शुरू होती है क्योंकि वहां से सब प्रैक्टिकल। चैप्टर 3 में आप सीखेंगे कि कैसे पढ़ाई में इसका इस्तेमाल करना है। जैसे आपको बाहर पढ़ने जाना है तो किसी कंसल्टिंग पर पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं, चैट जीपीटी का यूज कीजिए। किसी जॉब इंटरव्यू की प्रैक्टिस के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चैप्टर 4 पर्सनल लाइफ पर फोकस्ड है, फूड डाइट प्लानिंग, हेल्थ और फिटनेस, ट्रैवल प्लानिंग में आप इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चैप्टर 5 मेरा फेवरेट बिजनेस ओनर्स और एंटरप्रेन्योर्स पर फोकस्ड है, जैसे आप अपने बिजनेस के लिए मार्केट रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं चैट जीपीटी के जरिए। कस्टमर फीडबैक मैनेजमेंट के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चैप्टर 6 चैट जीपीटी की लिमिटेशन समझाता है और अब आप लोगों के लिए चैप्टर 7 भी मौजूद है। बोनस कंटेंट, 1 घंटे की वर्कशॉप जो मैंने दुबई की 1 बिलियन समिट में करी थी। इस वर्कशॉप में मैंने चैट जीपीटी को फुल पोटेंशियल पर यूज करना सिखाया था। लेकिन इतना ही नहीं, अप्रैल 2024 में मैं एक और बड़ा अपडेट करूंगा इस कोर्स में और नए चैप्टर्स, नए लेसन आएंगे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से चेंज हो रही है। और अगर आपने एक बार इस कोर्स को खरीद लिया तो सारे अपडेट्स आपके लिए फ्री। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ज्वाइन करने में, इस वीडियो में आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट है, आपको 40% ऑफ मिलेगा। आप ऐसे पहले 400 लोगों को जो कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे SURA40, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। अब सोरा पर वापस आए दोस्तों, तो ऊपर से देखकर आपको जरूर लगेगा कि ये टेक्नोलॉजी तो बड़ी परफेक्ट हो चुकी है, लेकिन गौर से देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये 100% परफेक्ट नहीं हुई। नो डाउट ये बड़ी कमाल की टेक्नोलॉजी है, लाजवाब है, लेकिन 100% परफेक्ट नहीं है अभी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जितने भी वीडियोस मैंने आपको दिखाए उन्हें जरा थोड़े ध्यान से देखिए। याद में जो किताब पढ़ रहे हैं, इस किताब के पेजेस कैसे हवा की वजह से गलत डायरेक्शन में उड़ रहे हैं। ये जो एस्ट्रोनॉट चल रहा है, इसके चलने की स्पीड अचानक से कैसे तेज सी हो जाती है। ओपन AI बड़े ओपनली अपनी वेबसाइट पर सोरा AI की वीकनेसेस को एक्नॉलेज करते हैं। ये AI जनरेटेड वीडियोस कभी कभार चूक जाते हैं रियल वर्ल्ड की फिजिक्स को अप्लाई करने में, जैसे कि ये बास्केटबॉल जो नेट के अंदर से गुजर रही है, या फिर इस वीडियो में दिख रहे हैं 3 हाथ, या ये वाला वीडियो देखो, एक ग्रैंड माँ अपने बर्थडे को सेलिब्रेट कर रही है। ऊपर से देखकर लगेगा कि सब कुछ सही है, लेकिन थोड़ा गौर से देखो लोग किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, और ध्यान से देखो गलती पता चले, और ध्यान से देखो जिस तरीके से लोगों के हाथ हिल रहे हैं पीछे बैकग्राउंड में, किसी भी नॉर्मल इंसान के हाथ ऐसे नहीं हिलते। तो आज के दिन कुछ ये छोटी मोटी डिटेल्स हैं जिनके बेसिस पर बताना पॉसिबल है कि कोई वीडियो AI जनरेटेड है या असल जिंदगी में रियल लाइफ में लिया गया वीडियो है। लेकिन जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है, मुझे नहीं लगता कि आज से 1 साल बाद ये भी बताना पॉसिबल हो सकेगा। और OpenAI वाले भी ये चीज जानते हैं, जिस दिन ये वीडियोस इतने असली हो गए कि बिल्कुल ही कोई इंसान की आंखें डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगी, उस दिन भारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, बहुत ही आसानी से फेक न्यूज बनाई जा सकेगी। शायद यही रीजन है कि SURA AI अभी पब्लिक के लिए रिलीज नहीं किया गया है, इसे भी रेड टीमर्स के द्वारा टेस्ट किया जा रहा है सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए, यानी कि अभी टेस्टिंग फेज में। रेड टीमर्स का मतलब होता है साइबर सिक्योरिटी के वो लोग जो अटैकर्स की तरह बिहेव करते हैं, और इनका काम होता है सिस्टम की कमजोरियां ढूंढना। लेकिन जब ये पब्लिक के लिए रिलीज किया भी जाएगा, तब भी मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी रियल इंसान के फोटोज वीडियोस को मैनिपुलेट करना पॉसिबल हो, क्योंकि वो चीज तो हमेशा ही एक बड़ा सिक्योरिटी रिस्क रहेगी कि लोग इसका इस्तेमाल करें किसी पॉलिटिशियन के फेक वीडियोस बनाने में और उससे इलेक्शन में इंटरफेरेंस हो। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो सोरा के रिलीज होने से पहले ही एक बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। इस वीडियो को देखिए, विराट कोहली का ये वीडियो जिसमें वो एक बैटिंग ऐप प्रमोट कर रहे हैं। डिमीटर एक प्रकार का गेम है जिसे हम निवेश योग्य ऐप कह सकते हैं, या मैं निवेश योग्य गेम कह सकता हूँ, जिसमें आप कम पैसे खर्च करके ज्यादा से ज्यादा कमाई कर सकते हैं। क्या पहचान पाए कि ये वीडियो असली नहीं है, ये 100% AI जनरेटेड वीडियो है। कुछ फ्रॉड कंपनीज ऑलरेडी इस चीज को एक्सप्लॉइट करने लग चुकी है, सोशल मीडिया पर इन सेलिब्रिटीज के फेसेस का इस्तेमाल करके एड्स चलाई जाती है, पैसों का लालच दिखाकर लोगों को कहा जाता है कि हमारी ऐप डाउनलोड करो। सचिन तेंदुलकर के साथ भी यही चीज हुई, मेरी बेटी किस समय यही गेम खेल रही है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, वो स्काई वर्ड एविएटर क्वेस्ट ऐप खेलकर
हर दिन 180,000 रुपए निकालती है। ये भी कम्प्लीटली फेक वीडियो, लेकिन देखा आपने टेक्नोलॉजी इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि किसी और की आवाज को भी यहाँ पर यूज करना पॉसिबल हो पा रहा है। अभी के लिए ऐसी वीडियो से बचने का एक ही तरीका है, थोड़ा गौर से देखिए इन वीडियोस को। हमेशा छोटी मोटी गलती आपको मिलेंगी, कहीं ना कहीं लिप मूवमेंट अजीब होगी, क्वालिटी लो होगी अक्सर इनकी। आवाज को भी अगर आप ध्यान से सुनने की कोशिश करोगे तो आपको पता लगेगा कि आवाज में वो बात नहीं आ रही, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड वॉइस लग रही है। फिर से सुनो सचिन तेंदुलकर की आवाज को। मेरी बेटी इस समय ये गेम खेल रही है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। छोटी छोटी डिटेल्स नोटिस करके आप यहाँ डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली अब वीडियो के कॉन्टेंट को देखो। क्या प्रमोट किया जा रहा है आप, क्या आपको करने को कहा जा रहा है? यह एप्लीकेशन बिल्कुल मुफ्त है, कोई भी आईफोन वाले इसे डाउनलोड कर सकता है। विमान 2x 3x 4x 5x उड़ान पर जाता है। अगर कोई सेलिब्रिटी आपसे कहता है कि इसे आपको डाउनलोड करो या आप जितने पैसे लगाओगे 10 गुना उसके पैसे बना सकते हो, वैसे ही आपको चौकन्ना हो जाना चाहिए। चाहे वो AI वीडियो हो या असली वीडियो हो, ऐसी चीजों से वैसे ही आपको दूर रहना चाहिए। इसके अलावा इन प्रॉब्लम्स के लिए एक टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन भी बनाया जा सकता है कि एक AI जिसका काम हो AI जनरेटेड वीडियोस को पहचानना। OpenAI ने कहा कि हम जितने भी वीडियोस सूर्य AI के द्वारा बना रहे हैं उसमें एक वाटरमार्क डाल रहे हैं, उस वाटरमार्क के जरिए आप हमेशा पहचान सकते हो कि कोई वीडियो AI जनरेटेड है या नहीं। मैं पर्सनली भी अपने वीडियोस में कई बार AI जनरेटेड फोटोज या वीडियोस का इस्तेमाल करता हूँ, तो ऐसे केस में मैं हमेशा वीडियो के टॉप राइट कॉर्नर पर लिखता हूँ रिप्रेजेंटेशन। आपने कई बार ये मेरे वीडियोस के कोने में लिखा हुआ देखा होगा, ये इसलिए ली ताकि आप समझ पाओ कि ये जो फोटो या वीडियो आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है ये AI जनरेटेड है, असली नहीं है। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ा मुद्दा है जॉब्स का। आखिर इस AI का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दुनिया भर की इंडस्ट्रीज पर और इकोनॉमी पर? फिल्मों में भी फिल्म मेकर्स को बड़े बड़े कैमराज ले जाकर अलग अलग जगह पर फिल्मिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ ही सालों में पूरी की पूरी फिल्में AI का इस्तेमाल करके बनाई जा सकेंगी। एवेंजर्स फिल्म के डायरेक्टर जो रूसो ने तो पिछले साल बड़ी फेमसली कहा था कि सिर्फ 2 साल लगेंगे AI को इस लेवल तक पहुंचने पर कि वो पूरी की पूरी फिल्में बनाने लग जाए। ऐसे ही गेमिंग इंडस्ट्री पर इसका एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जिन वीडियो गेम्स को बनाने में पहले सालों का समय लग जाता था, 100 लोगों से ज्यादा की टीम्स चाहिए होती थी, अब यही काम कितनी आसानी से किया जा सकेगा। इस NBC आर्टिकल के अनुसार फिल्म मेकर टाइलर पेरी $800 मिलियन खर्च करने वाले थे स्टूडियो एक्सपेंड करने के लिए अपना, लेकिन जैसे ही 16 रिलीज हुआ इन्होंने अपने स्टूडियो एक्सपेंशन को रोक दिया। आखिर स्टूडियो की जरूरत ही क्या अगर AI हमारे लिए वीडियोस बनाकर दे दे तो? इसका मतलब है कि बहुत सारी जॉब्स अलग अलग इंडस्ट्रीज में जाने वाली है। वो सिनेमाटोग्राफर जो कई दिन लगाकर 1-2 मिनट की स्टॉक फुटेज बनाता था जिसे बेचकर वो पैसे कमाता था, या फिर वो VFX आर्टिस्ट जो किसी बड़ी गेमिंग कंपनी के लिए NPCs बनाता था। शॉर्ट टर्म में फिल्म और वीडियो प्रोडक्शन और एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग की जॉब्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, लेकिन एट द सेम टाइम इसकी एक पॉजिटिव साइड भी है। अच्छी चीज यहाँ पर ये होगी कि हमें इन सभी फील्ड्स में डेमोक्रेटाइजेशन देखने को मिलेगा, आम लोगों के लिए सारी फील्ड्स और एक्सेसिबल बन जाएंगी। अगर आपका सपना था कि आप कभी एक फिल्म प्रोड्यूसर बनो, लेकिन आपके पास कभी इतना पैसा नहीं था, इतनी इक्विपमेंट नहीं थी, अब सोरा AI के जरिए आपको भी मौका मिलेगा अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का बिना इन सब रिसोर्सेज के। अब किसी IT जॉब वाले को भी एक अच्छा फिल्म मेकर बनने का मौका मिल पाएगा, और किसी म्यूजिशियन को बिना ज्यादा पैसे खर्च किए म्यूजिक वीडियोस बनाने का मौका मिल पाएगा। ऐसी टेक्नोलॉजीज को देखकर थोड़ा बहुत डर लगना जायज है। क्या जानते हो दोस्तों, आज से 600 साल पहले जब प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया गया था तब भी बहुत से रिलीजियस लीडर्स उसके सख्त खिलाफ थे। कुछ लोग कहते थे कि जो किताबें हैं वो एक्चुअली शैतान की देन है, हमें किताबों को बैन कर देना चाहिए। साल 1501 में जो पोप थे पोप अलेक्जेंडर VI, उन्होंने ये तक कहा था कि चर्च के परमिशन के बिना किसी को किताबें प्रिंट करना अलाउड नहीं है। एक बात यहाँ पर तय है, चाहे आप इस टेक्नोलॉजी को पसंद करें या ना करें, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। सभी लोगों को, सभी सरकारों को इस नई दुनिया से अडेप्ट करना सीखना होगा। दुनिया की कई सरकारें ऑलरेडी प्रोएक्टिव कदम उठाना शुरू कर चुकी हैं, जैसे कि सिंगापुर के पार्लियामेंट में हाल ही में उनके एक MP ने कुछ दिन पहले ये स्पीच दी थी सोरा AI को लेकर। सोरा अलाउज यू टू क्लियर टेक्स्ट, टाइप इन सम टेक्स्ट, अ प्रॉम्प्ट, एंड इट कैन प्रोड्यूस वीडियोस व्हिच आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम व्हाट हॉलीवुड कैन प्रोड्यूस टुडे एंड व्हाट स्मॉलर स्टूडियोस कैन प्रोड्यूस। इन पॉलिटिशियन का नाम है टैन वू मेंग, और इन्होंने कहा कि सिंगापुर की सरकार ने इन AI डेवलपमेंट से अडेप्ट करने के लिए अब एक नई सब्सिडी लॉन्च करी है। वी हैव टू एक्सेप्ट द वर्ल्ड एज इट इज, द वे द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी, एंड लुक आफ्टर, सपोर्ट, एम्पावर, अपलिफ्ट आवर पीपल, एंड दिस इज व्हाई द न्यू सब्सिडी
for Singaporeans age 40 and above to pursue another full-time diploma in higher education. ये subsidy 40 साल से ऊपर के लोगों के लिए है ताकि वो दोबारा से एक full-time diploma pursue कर सकें. This new subsidy in the budget, that's why it's so important. Because it recognizes that in a world that's changing so quickly, what you learn in school, in education at age 20 may have changed, transformed, been replaced by a new world by the time you're age 40. It recognizes that change and supports middle-aged and older workers. क्योंकि इनकी सरकार समझ चुकी है कि आज के दिन अगर आप कुछ कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हो, जो भी आपको आज पढ़ाया जा रहा है, क्या आज से 20 साल बाद जाकर जब टेक्नोलॉजी इतनी बदल जाएगी, क्या वो चीज फिर भी रेलेवेंट रहेगी? इसलिए बेहतर यही है कि 40 साल के बाद लोगों को कहा जाए कि दोबारा से आप एजुकेशन करो, जो भी नई डेवलपमेंट्स हुई है उन सबसे अडेप्ट कर पाओ, अपने आप को अपस्किल कर पाओ. इंटरेस्टिंगली सिंगापुर की सरकार ने तो 2019 से ही AI की बात करनी शुरू कर दी थी और अपने लेटेस्ट 2024 के बजट में इन्होंने $1 billion इन्वेस्ट करने का प्लेज किया है. International AI Strategy 2.0. I will invest more than $1 billion over the next 5 years into AI compute, talent and industry development. तो यही सजेशन मेरी आपके लिए भी रहेगी कि जितना जल्दी आप इस बदलती दुनिया से अडेप्ट करना सीखोगे उतना ही आप फायदे में रहोगे AI को लेकर. लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, क्योंकि AI आज के दिन एक बड़ा ट्रेंडी वर्ड बन गया है, तो बहुत सी कंपनी इसे एक्सप्लॉइट भी कर रही है और काफी सारे फालतू के AI भी मौजूद है आज मार्केट में. जब मैंने अपना AI पर पहला वीडियो बनाया था, उस वीडियो के शुरू में मैंने आपको कई सारी चीजें दिखाई थी जो AI के थ्रू करनी पॉसिबल थी, जैसे कि फेस चेंज करना, अपनी आवाज को बदल लेना, लेकिन आप में से कई लोगों ने मेरा कोर्स लेने के बाद ये फीडबैक दिया कि मैंने सिर्फ चैट GPT पर ही कोर्स क्यों बनाया, उन बाकी AI की बात क्यों नहीं करी कोर्स में. यही कारण है ज्यादातर जो बाकी के AI है वो दिखावे के AI है, उनका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है जिंदगी में. जैसे कि फेस स्वॉप के लिए जब मैंने अपना चेहरा बदला टॉम क्रूज में, ऋतिक रोशन में, मैंने कूल फेस स्वॉप नाम का टूल यूज किया था. ये बहुत ही महंगा टूल था, बहुत सारे पैसे खर्च किए थे मैंने सिर्फ कुछ सेकंड की फुटेज को आउटपुट करने के लिए. रिजल्ट भी इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि क्लियरली आप मेरे चेहरे को देखकर कह सकते हो कि ये तो मैनिपुलेटेड सा चेहरा दिख रहा है, असली नहीं लग रहा. और इसके अलावा कोई फीचर्स भी नहीं थे इसके, और इसी वजह से AI टूल्स को कहा जाएगा सिर्फ ये दिखावे के लिए, शो ऑफ करने के लिए अच्छे हैं. लेकिन ना आपको पढ़ाई में से कोई मदद मिलेगी, ना आपके काम की स्पीड तेज होगी इससे, और ना ही आपके बिजनेस में कोई मदद मिलेगी. इसलिए चैट GPT पर मैंने सबसे ज्यादा फोकस किया, क्योंकि चैट GPT एक्चुअली में लाइफ चेंजिंग है. चैट GPT का इस्तेमाल प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजों के लिए किया जा सकता है, इसलिए पूरा कोर्स उस पर. हाल ही में कई सारी इंडियन AI कंपनीज भी आई है जो दावा कर रही है कि देखो ये पहला इंडिया का AI हमने बनाया है, और पता चलता है कि बेस में पीछे पीछे बैक एंड में वो चैट GPT का ही इस्तेमाल कर रहे हैं. चैट GPT के अलावा मिड जर्नी, डेली और स्टेबल डिफ्यूजन, ये तीन टेक्स्ट टू फोटो AI सॉफ्टवेयर्स हैं जो एक्चुअली में यूजफुल हैं. और आने वाले टाइम में मुझे लगता है 16 AI यहाँ पर उतना ही रेवोल्यूशनरी निकलेगा जितना ChatGPT निकला. तो आप अगर चाहते हैं कि मैं ऐसा वीडियो बनाऊँ जिसमें सभी AI टूल्स का एक ओवरव्यू दूँ, तो आप नीचे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं. नहीं तो अभी के लिए कोर्स को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कूपन कोड के साथ. और ये वीडियो पसंद आया तो मेरा पिछला AI वाला वीडियो भी देख सकते हैं, Q-Star AI के ऊपर. उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस क्या चीज होती है, यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. ये सभी कुछ AI से किया गया है, यहाँ तक कि मैंने जो वॉइस डाला है वो भी AI से किया हुआ. सोरा अभी डेवलपमेंट के मोड पर है, उसमें चेंजेस लाए जा रहे हैं. आप अपनी राय भेज सकते हैं, अपना इम्पोर्टेंट सजेशन दे सकते हैं और वो उसमें चेंजेस करेंगे. लेकिन ये होगा बिल्कुल चैट GPT ही, बस आप एक क्लिक पर अपने वीडियोस बना सकेंगे और वीडियोस होंगे बिल्कुल नेचुरल रियल. पूरी दुनिया ही पलट दी जाएगी ये AI और ह्यूमन का एक टक्कर भी कह सकते हैं और एक मज़ेदार कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं. आपको दोनों चीज़ें देखने मिलेंगी. हालांकि ये फैक्ट है कि ह्यूमन की जगह कोई नहीं ले सकता, पर AI ने बहुत कुछ बदल दिया है. आप सभी वीडियोस देखिए किस तरह से रियल वीडियोस मालूम चल रहे हैं. इतना अच्छा पिक्चराइजेशन तो एक ह्यूमन भी नहीं कर पाता.
जबकि ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएटेड वीडियोस हैं, क्लिप्स हैं। देखिए हाउ द रियल इज़ द वीडियो। आपको जस्ट टेक्स्ट देना है एंड योर वीडियो विल बी रेडी टू वॉच। कमाल देखिए दोस्तों, ये इन वीडियोस को देख के कोई भी अचंभित हो सकता है। देखिए हाउ द रियल। इसमें मैं कोई साउंड नहीं डाला है, मैंने सिर्फ क्लिप्स रिपीट कर दिएंगे। आप देखिए किस कदर से बहुत ही सुंदर दृश्य उभर के आ रहा है। What's going on, everyone? Today, we have something truly groundbreaking to discuss: OpenAI latest innovation, Sora. And in this video, we'll dive into how to use Sora by OpenAI, how it works, and even explore some alternatives. So, let's get started. First, we'll search on Google for OpenAI Sora, and the first website we'll go to is OpenAI.com. As you might already know, OpenAI, the same company that launched ChatGPT, has now introduced Sora, a video generator. If you remember, ChatGPT revolutionized the AI industry. Now, the same company has ventured into video generation with Sora. On their website, you can see the tagline, creating video from text. Now, let's scroll down to explore further, and they have provided some video examples generated by AI Sora. It's fascinating because these videos look quite realistic and as if they were recorded with a real camera. I've linked a few examples below that I believe you might have seen before. It's impressive how authentic and original they appear, giving the illusion of being recorded with a physical camera. Check it out, guys. Okay, now we are wondering how we can generate a video using this AI, and you might be thinking the same. So, let's go back, and here, under how to access Sora, click on it. It mentions that Sora can create videos up to a minute long. However, if you read the article carefully, it seems that Sora might not be currently usable for the public, as they are working on it, gathering feedback, and receiving reviews from video and filmmaking companies. But don't worry, I have an alternative to Sora. I know it may not be as perfect as OpenAI Sora, but with a bit of smart work in editing, it can produce results similar to Sora. Keep in mind that it won't be an exact match, but with some effort, it can achieve a similar outcome. There are several high-profile alternatives to Sora that allow users to create video content from text. One such alternative is Runway Gen 2. The website layout describes it as a multimodal AI system that can generate novel videos with text, images, or video clips. In comparison to OpenAI Sora, Runway Gen 2 boasts multiple commands. For instance, Sora allows you to generate a 1-minute video, while in Runway Gen 2, it mentions text to video, image to video, video to video, text to image, and many more options. Now, let's take a closer look at how to use Runway Gen 2. If you click on sign into Runway, you can see various options like text to video, image to video, video to video, text to image, and more. In this video, I will demonstrate how to use the text to video option. By clicking try Runway for free and connecting your account, you can start generating videos. Here, we have to provide a prompt based on the video we want to create. For example, I want to make a video of a mountain and volcano. So, I would write, smoke billows out of the volcano atop the lava-heated mountain, and then click generate. As a free user, this AI tool will generate a 4-second video based on the given prompt. However, if I decide to subscribe, which means opting for a paid plan, they will allow me to generate videos up to 1 minute in length. Currently, our video is in the process of being generated. Oh my god, this is incredible. It's so accurate. Wow, they have created something amazing. Alright, time for one more video. How about a romantic scene featuring a tender moment between a boy and a girl with a heartfelt kissing scene? Oh, I can feel the excitement. Let's dive in. Wow, that was truly captivating. What did you all think? Feel free to share your thoughts in the comments section below. And don't forget to hit that subscribe button to stay updated with more amazing content from the age. Smart.